वैसे पढ़ना लाजमी है। हाँ वैसे पढ़ना प्रमुख जी बात होती है, प्रमुख जी तो कहते मैं कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली प्रारंभिक सूचना, उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में SDRF की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस SSB की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, SSB का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। फर्दर जो भी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल सी। देखिए, जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार लगभग 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना थी, जिसमें से 3 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 2 महिलाएं अभी भी हमारी ग्राम ये तोक जामुनी में मिसिंग हैं और ग्राम तोक सिरो उधार जो है वहां पर 1 महिला और 1 पुरुष मिसिंग है। तो ये मलबे में इनके दबे होने की संभावना है और SDRF और पुलिस की टीम्स जो है सर्च ऑपरेशंस अभी कर रही है।